नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज हम जानेंगे एक नए स्टॉक्स के बारे में जिसमें हम लोग इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं, हम लोग ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्टॉक है और खासकर सबसे बड़ी बात तो इस स्टॉक के अंदर ये है कि इस स्टॉक के अंदर काफ़ी करेक्शन हुआ है, तो बहुत ज़्यादा करेक्शन हो गया, लेकिन कंपनियाँ फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से उसको निकालते हैं, अपने स्क्रीनर के थ्रू उस स्टॉक्स को निकालते हैं, उसके बाद किस तरीके से उसका फंडामेंट टेक्निकल चेक करते हैं, कुछ फंडामेंटल जानने की भी कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मेरा ये आपको जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, क्लियर कट दिखाई दे रही है कि आपको स्टॉकेज की स्क्रीन है। तो इस स्टॉकेज की स्क्रीन से मैं आपको स्टॉक निकाल के दिखाता हूँ, फिर उसका मैं टेक्निकल एनालिसिस करता हूँ, इस स्टॉक्स के अंदर अपन किस तरीके से क्या बाय और सेल करेंगे। लेकिन एक उससे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्द से जल्द मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले जितने भी मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हैं वो आप तक पहुँच सके। देखिए, सबसे पहले ये मैं आपको बताता हूँ, तो ये हमारा स्टॉकेज है, स्टॉकेज एप्लीकेशन है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से क्या स्टॉक्स के अंदर अभी अपना जो आज की जो जर्नी है वो शुरू करेंगे। तो देखिए, इसमें से एक बहुत अच्छा फीचर है, तो देखिए मेरा इसमें कोई पैड प्रमोशन नहीं है, बट मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से मैं इसमें काम करता हूँ, क्योंकि मेरे को ये स्क्रीनिंग करने का काम ईजी कर देता है मेरा। तो ये जो एक इन्होंने ऑप्शन दे रखा है ट्रेडिंग स्टॉक्स का, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो जिनका मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा। तो देखिए, जो प्राइस मूवर है उसके अंदर ये जो सबसे जो पहला स्टॉक आया है वो सीला फोम आया है, उसके बाद डिलीवरी है, उसके बाद सुजलोन है, मिश्र धातु है, लिंडे इंडिया है, सेंचुरी प्लाईबोर्ड है, और इन सब में से सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज के अंदर में उछाल आया है वो मेरा सीला फोम के अंदर आया है। तो चलिए, मैं सीला फोम का ही आपके सामने और एनालिसिस करता हूँ कि सीना फॉर्म में अगर हमें एंट्री मिलती है तो हम किस तरीके से उसमें काम करेंगे। तो ये सीला फॉर्म का मेरे सामने चार्ट है, तो कुछ इस तरीके से ये चार्ट आपको दिखाई देगा, देखिए ये इसमें मंथली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है, तो मंथली चार्ट में जो सबसे पहले अपन हाई मार्क करेंगे, तो एक ये मेरा एक हाई है मंथली चार्ट में, ये वाला मेरा एक हाई है जो सबसे ऊपर का है, जो लगभग 2030 रुपये है, उसके बाद देखिए ये एक पुराना हाई है जो कि नवंबर 2017 का है, उसके बाद ये एक हाई है जो सितंबर 2018 का है, उसके बाद ये एक हाई है जो फरवरी 2020 का है, और उसके बाद एक ये लो जो मार्च 2023 का है। तो इन सबको हम एक ही लाइन के अंदर पिरोते हैं, एक ही लाइन पे देखते हैं कि अगर आ पाते हैं क्या। तो मैं इसके अंदर ये वाला एक हाई है जो कि नवंबर 2017 का है, उस पर मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरीके से देखिए, मैंने एक लाइन को ड्रॉ करी तो ये वाला भी टच हो गया और ऊपर से नीचे स्टॉक आया, तो यहाँ पर बाई मोमेंट बन रहा था और स्टॉप लॉस जैसे इसके नीचे का था, लेकिन किसी ने किया तो अच्छी बात है, लेकिन अभी तक हमने नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके से मेरे लेवल्स यहाँ पे मैंने अपने लेवल्स हैं वो मार्क कर दिए। अब एक नीचे से एक और लेवल में मार्क कर देता हूँ जो कि मेरा ये वाला है, और यहाँ पे इसको अपन थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से कुछ मेरी जर्नी है वो मंथली चार्ट पे हो गई। अब मंथली चार्ट पे ज़्यादा कुछ दिखाई दे नहीं रहा, अगर बाउंस बैक अपन को 927 रुपये या 906 रुपये के लगभग दोबारा मिलता है तो हम उसमें दोबारा एंट्री कर सकते हैं। इस लेवल पे अगर ये आता है तो दोबारा एंट्री कर सकते हैं, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो हम चलते हैं सीधा इसमें वीकली चार्ट की तरफ। तो ये देखिए, वीकली चार्ट कुछ इस तरीके का शो हो रहा है, जो हमने लेवल मार्क किए थे वो एज इट इज़ हमारे लेवल काम कर रहे हैं, तो देखिए अब हम देखते हैं, अब हमें कुछ और लेवल्स मिलते हैं यहाँ पे, तो उन लेवल्स को भी हम लोग मार्क करते हैं। देखिए, मुझे एक ये ऊपर से स्टॉक नीचे गिरा तो ये लेवल मुझे मिल गया जो कि है नियर अराउंड 1270 रुपये का लो है, जो मुझे ये ऊपर से नीचे की जर्नी में मिल गया। एक स्टॉक को एक हाई मुझे मिला है, जस्ट मेजर हाई है, तो मैं इस मेजर हाई को भी यहाँ पे
मार्क करता हूँ जो कि मेरा लगभग 1700 रुपये है। तो ये मेरे स्टॉक्स मैंने मार्क कर लिए, ये जो लेवल्स हैं ये मैंने मार्क कर लिए हैं। अब और भी मुझ कुछ इसमें ज़्यादा दिखाई नहीं देता है, तो मैं अब और थोड़ा सा जो नीचे का लेवल है उस पर चला जाऊँगा। तो मेरा जो नीचे का लेवल है वो मेरा डेली का लेवल है। तो ये देखिए, डेली के लेवल के हिसाब से स्टॉक ने कुछ इस तरीके का जो चार्ट है वो बना दिया, कुछ इस तरीके का वो चार्ट है वो बना दिया। ये मैं आपके सामने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सीला फॉर्म का डेली चार्ट, सीला फॉर्म का डेली चार्ट। अब देखिए स्टॉक में हो क्या रहा है। अब हम एक लाइन को ड्रॉ करें, क्योंकि हमारे पास एक तो ये मेजर हाई है और दूसरा मेजर हाई ये है। तो ये दोनों मेजर हाई मेरे पास है, इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ। तो ये मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर लिया, यहाँ से इन दोनों को मैंने एक रेड लाइन के थ्रू कनेक्ट कर लिया, इन दोनों को मैंने एक रेड लाइन के थ्रू कनेक्ट कर लिया। अब आपको क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इनका थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि इजी टू यूज हो जाए देखने के लिए। अब देखिए, आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा होगा, क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट है वो काफी ज्यादा हो चुकी थी। अपन गिरावट की बात करते हैं तो स्टॉक्स के अंदर कितना गिर चुका था, स्टॉक्स लगभग लगभग अपने हाई से 55% स्टॉक टूट चुका है, अपने हाई से लगभग लगभग 55% स्टॉक टूट चुका है। यानी कि 2700 रुपये का हाई बनाने के बाद स्टॉक पहुंच गया लगभग सीधा 1100 रुपये पे, 900 रुपये पे लगभग पहुंच गया। तो अब देखिए इसके अंदर और क्या हो रहा है। तो ये सारे लेवल्स अपन ने मार्क कर लिए। अब मुझे एक और लेवल मिलता है, मुझे एक और लेवल मिलता है कि जो कि ये मेरा ये वाला एक हाई है, जो कि ये वाला मेरा एक हाई है। इसको तो मैं ये देखिए, जो कि मेरा लगभग लगभग 1100 रुपये से मेरा एक हाई है। तो आप क्लियरली समझ गए होंगे कि देखिए मेरा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी इसी कैंडल पे आ गया, और मेरा जो ये जो लोअर हाई का जो लोअर हाई का जो वॉल्यूम है, लोअर हाई का जो प्राइस एक्शन है वो भी लोअर हाई को ब्रेक कर दिया इसने 1100 रुपये तो से। तो अभी इस स्टॉक्स के अंदर मेरी जर्नी है वो अपवर्ड रहेगी, यानी कि फर्दर मूव यहाँ से 1100 रुपये से 2000 रुपये की जर्नी यहाँ से मैं देख सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके के मेरे लेवल थे, कुछ इस तरीके के मेरे लेवल थे, कुछ इस तरीके की मेरी जर्नी थी, वो सीला फॉर्म में थी। तो मैं इसके अंदर अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, उसके बाद अपने टारगेट्स ढूंढूंगा। तो देखिए इसमें हुआ क्या है कि यहाँ पे एक बार मैं वॉल्यूम चेक करता हूँ उसका, तो ये देखिए क्या बात है, वॉल्यूम भी शानदार है, वॉल्यूम भी खतरनाक वॉल्यूम है, गजब वॉल्यूम है, यहाँ पे बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम भी अपन को साथ दे रहा है, देखिए काफी बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, बहुत ही बढ़िया वॉल्यूम है, काफी स्ट्रांग वॉल्यूम है। तो इस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का साथ देते हुए हम लोग क्या करेंगे, सीला फॉर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज में कहाँ बनती है। तो सबसे पहले मैं इसमें लगाता हूँ स्टॉप लॉस, जो कि मेरा ये वाला स्टॉप लॉस है, जो कि मेरा ये वाला स्टॉप लॉस है। तो स्टॉप लॉस हो गया मेरा नियर अराउंड 1025 रुपये का, स्टॉप लॉस हो गया मेरा 1025 रुपये का क्लोजिंग बेसिस है। तो अपनी स्टॉप लॉस ने अपन ने डिफाइन कर दिया। अब मेरी जो एंट्री है वो कहाँ रहेगी, तो मेरी एंट्री इसके अंदर लगभग लगभग 1100 रुपये रहेगी, मेरी एंट्री इसमें लगभग लगभग 1100 रुपये रहेगी, 1100 रुपये के अराउंड आसपास उसमें कर लीजिएगा, लगभग 10 रुपये प्लस माइनस का उसमें गेम है। तो 1100 रुपये के अंदर मेरी एंट्री रहेगी। तो मेरे पास जाने के लिए 75 रुपये हैं, मेरे पास जाने के लिए 75 रुपये हैं, और आने के लिए मेरे पास ऊपर तक का टारगेट है, क्योंकि शीला फोम एज ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। तो फर्स्ट मेरा जो टारगेट इसमें रहेगा वो मैंने लेवल मार्क कर रखा है, जो कि मेरा 1270 रुपये का रहेगा। पहला मेरा जो लेवल है वो 1270 रुपये का रहेगा, और दूसरा मेरा लेवल है 1270 से जर्नी शुरू होके दूसरा लेवल है, दूसरा लेवल मैंने मार्क कर रखा है 1700 रुपये रहेगा। और 1700 रुपये तोड़ने के बाद मेरा जो फाइनल टारगेट है वो 2000 रुपये रहेगा। तो इसके अंदर मेरा जो रिटर्न है वो काफी अच्छा आने की पॉसिबिलिटी है। तो मेरा जो रिटर्न मैं यहाँ से मार्क करता हूँ कि अगर मेरे को ये स्टॉक 1100 रुपये पे मिल जाता है तो मुझे कितना परसेंट यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। तो आप देख ही रहे हो
कि मुझे मूवमेंट मिलेगा 82% का, 82% का मुझे यहाँ पे मेरे को रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है, न कि कन्फर्मेशन, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी नॉट सर्टेनिटी। तो यहाँ पे एक पूरी संभावना है कि 80% का हमें अब टारगेट जो अचीव मिल सकता है, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम लोग इसको होल्ड करेंगे। तो ये थी मेरी आज की जर्नी। तो अगर आपको यहाँ तक ये मेरा स्टॉक सिला फॉर्म का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको पसंद आया है, तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं कुछ नए उनके साथ शेयर करिएगा। थोड़ा सा फंडामेंटल इसको और जान लेते हैं अपन। तो सिला फॉर्म पे मैं क्लिक करता हूँ तो स्टॉकेज की एक अच्छी सी खूबसूरती है कि ये स्टॉक्स का पूरा व्यू अपन को दे देता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो अगर 5 साल आपने इसको होल्ड किया तो 53% का मूवमेंट मिलेगा, अगर 1 साल होल्ड किया तो -17% का आपको रिटर्न, -17% आपको माइनस में रिटर्न देखने पर मिलेंगे। और डिलीवरी अपन उसको चेक करते हैं तो डिलीवरी में इसमें क्या हुआ है, तो डेली की डिलीवरी अपन देखते हैं तो हो सकता है माइंड ब्लोइंग डिलीवरी आपके सामने, 10% की डिलीवरी लगभग आपके सामने आ गई। शेयर होल्डिंग पैटर्न अपन देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कुछ चेंजमेंट हुआ है क्या, तो वो अभी आपके सामने देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो प्रमोटर होल्डिंग है वो तो इंटैक्ट है। 2003 से लेके 2021 से 22 तक की जो जर्नी है वो सेम है, पब्लिक के अंदर भी कोई खास वो नहीं, एज इट इज सेम ही है। जो अपना FII का डेटा उसमें चेंजमेंट हो गया, FII के डेटा के अंदर देखिए 3.19% डिलीवरी थी, अब बढ़ के 3.26% हो गई। DII का डेटा था उसमें 22.43 थी, अब इसमें चेंजमेंट हो गया और डिलीवरी इसमें कम हो गई। DII की डेटा इंस्टीट्यूशनल की डिलीवरी इसके अंदर बढ़ गई। तो ये इसका कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न था, कुछ म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे उठाया हुआ है क्या, तो ये म्यूचुअल फंड में भी अपन देखते हैं, इसमें चेक करते हैं। तो देखिए क्या बात है, म्यूचुअल फंड अप्रैल माह में तो म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड ने ये स्टॉक उठाया हुआ है, तो संभावना पूरी है। अप्रैल के बाद मई में देखते हैं कि मई में क्या हो रहा है, तो मई के अंदर सब लोगों ने बेच दिया, यहाँ पे मई के अंदर सब लोगों ने बेच दिया। अब दोबारा हो सकता है जून के अंदर इसमें ये लोग खरीदने के लिए लगे हों, तो इसी वजह से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, सडन मूवमेंट आया, कोई बल्क डील हुई है कि अब वो और चेक कर लेते हैं। इनसाइडर डील, तो इनसाइडर डील के अंदर मैं इसका नाम सिला फॉर्म देखिए आपको अगर दिखाई देता है तो बल्क डील के अंदर सिला फॉर्म ये देखिए आज के मार्केट रेट पे किसी ने 35,000 क्वांटिटी, कोटक महिंद्रा का जो म्यूचुअल फंड है उसने आज 35,000 क्वांटिटी ये उठाई है, लगभग काफ़ी बड़ी क्वांटिटी उसने उठाई है आज ही के दिन उठाई, इस वजह से स्टॉक काफ़ी ऊपर से उछल गया। और ये तुषार गौतम जी हैं, ये काफ़ी स्टॉक्स को होल्ड ही कर रहे हैं, मतलब प्रमोटर होल्डिंग शायद हो सकती है। तो ये मेरा एक मोटा मोटा फंडामेंटल इसका आइडिया था। तो कैसा लगा मेरा आज का ये स्टॉक एनालिसिस ऑन द सिला फॉर्म, प्लीज़ यू मेंशन आपकी क्या राय है वो मेरे को बताइएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कि मेरा जो स्टॉक्स का एनालिसिस है वो आपका कैसा लगा। तो इसी के साथ मैं अपने स्टॉक्स को, अपने वीडियो को यहीं करता हूँ वाइंड अप। थैंक यू, हैव नाइस डे।